चल रहे हैं। आज हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, उसके बाद भी मामले कम नहीं हुए, हर दूसरे तीसरे दिन हो ही रहा है ना, अलग अलग न्यूज में आपने देखा है कि हो ही रहा है। तो ये तब देखो, इस वीडियो में मुझे दो चीजें पे बात कर रही हैं। पहली चीज कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करो, जितना बढ़ा सकते हैं आप, जितना उनको मौका दे सकते हैं आप, जितनी उनकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं करिए। गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने का मतलब है कि उनके करियर के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज चाहिए वो आप प्रोवाइड कीजिए। जैसे हम लड़कों को प्रोवाइड करते हैं, जो रिसोर्सेज, जो सहूलियत, जो पैसे उनको ज़रूरत पड़ती है हम उनको प्रोवाइड करते हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी लड़कियों को भी प्रोवाइड करें। बात सिर्फ इतने में ख़त्म नहीं हुई है। गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने का मतलब है, जैसे एक लड़का पढ़ता है तो माँ बाप और उसका सिंपल ख्याल ही होता है कि वो पढ़ लिख कर एक नौकरी करे, पढ़ लिख कर कोई बिजनेस करे, पढ़ लिख कर टीचर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, बिजनेस करे, कुछ ऐसा होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी लड़कियों की तरफ भी यही माइंडसेट रखें कि भाई पढ़ लिख कर अगर वो जॉब करना चाहती है, पढ़ लिख कर वो कुछ बनना चाहती है, पढ़ लिख कर वो किसी बिजनेस को करना चाहती है, तो हम उसको पूरा अलाउ करें, पूरा एक्सेस दें उसको। लेकिन ये होता नहीं एक्चुअली। हम देखते हैं कि लड़कियों को पढ़ाया जाता है तो क्या होता है कि भाई हाँ ठीक है, पढ़ रही है, पढ़ने दो। ये माइंडसेट मत रखिए। जब तक एक डेवलपिंग नेशन में वेमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज नहीं होगा, वो देश कभी ग्रो कर ही नहीं सकता, ये स्टडी बोलती है। तो पहली चीज़, और आपको चाहिए जैसे कोई वो स्किल सीखना चाहती हो, वो कोई स्किल में काम करना चाहती हो, तो भाई उसको मौका दो। मुझे आज भी याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था लगभग 5 से 6 साल पहले, तो मैंने शुरू से फोकस किया कि भाई लड़कियों को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, लड़कियों के लिए काम किया जाए, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो पढ़ने और पढ़ाने वाली चीज़ है वहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत आसपास चीज़ें छूट जाती है कि हाँ भाई घर के बगल में, हाँ भाई मोहल्ले में, थोड़े दूरी में तो ठीक है आप चले जाएँ वहाँ पर। लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर हो गया, सेम शहर है लेकिन थोड़ा दूर है, आप लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता। दूसरे शहर तो दूर की बात है, सेम शहर में रहकर अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता, ये हालत है हमारी। लेकिन वही मामला अगर लड़कों के साथ होती है तो लड़के कहीं भी ट्रैवल करके पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बायस्ड हूँ या मैं किसी तरफ ज़्यादा झुका हूँ कि भाई लड़कों के लिए नहीं काम करना, ये सिंपल है। मैं ये है सब के लिए, इट इज़ फॉर एवरीवन, मेरी टीचिंग, मेरा नॉलेज, मेरी शेयरिंग सब के लिए है। लेकिन लड़कियों को कहते हैं ना, जो ज़्यादा पीछे उसको ज़्यादा ज़ोर से धक्का देना पड़ता है। तो बस ऐसे ही समझें कि कोई उनके लिए काम नहीं करने की नहीं कर रहा, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की नहीं कोशिश कर रहा, उनको गाइड नहीं कर रहा, उनको रास्ता नहीं दिखा रहा। तो मैंने शुरू से कोशिश किया कि मैं उनको रास्ता दिखाऊं, उनके लिए काम करूं, उनको गाइड करूं, ताकि वो जो लड़कों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वही अपॉर्चुनिटी लड़कियों के लिए भी क्रिएट की जा सके। तो पहली चीज़ जो मैंने आपसे बात करी वो था गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करो। दूसरा है कि लड़कियों को ऑब्जेक्ट कर की तरह यूज़ करना, मतलब लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कीजिए। ऑब्जेक्टिफाई मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, हम इसको, ये ऑब्जेक्ट है मार्कर, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसका यूज़ कर लेंगे और उसके बाद इसको साइड करके रख देंगे। दिस इज़ व्हाट वी डू विथ एन ऑब्जेक्ट, यही तो करते हैं हम एक ऑब्जेक्ट के साथ। यही चीज़ हम अपनी औरतों के साथ भी कर रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं ना, इंडिया में रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आज जो हम देख रहे हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़, इस तरह के जितने भी मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसका सिंपल रीज़न है औरतों को, एक सिंपल, मैं ऐसे तो कई सारे रीज़न, मैं एक जो इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है ऑब्जेक्टिफाई करना, कि भाई उनकी जब ज़रूरत पड़ती है तब आप उनको बुलाते हैं, तब आप उनको इस्तेमाल करते हैं, तब आप उनसे काम करवाते हैं, उसके बाद उसकी बातों की इम्पोर्टेंस नहीं होती। भाई मैंने ऐसे फैमिलीज देखी है जहाँ पर लड़की की शादी हो रही है, उसको पता भी नहीं है कि लड़का कैसा दिखता है, वो पता भी नहीं है कि भाई क्या है, क्या सीन है उसकी, उसकी उसकी बात, उसकी हामी, उसका हाँ या ना कुछ पूछा नहीं, उसका डिसीजन क्या था पूछा नहीं गया। जबकि ये बात रिलीजन भी अलाउ करता है कि भाई हाँ पूछा जाए कि ये है ऐसा, हाँ या ना है। तो हम, आप अगर अपनी फैमिली में, अपने आसपास की फैमिलीज में अगर इस चीज़ को देखो तो आपको ये बहुत क्लियर और बहुत विजिबल दिखेगा कि इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेन हमेशा से डोमिनेंट रहा है, हमेशा से जितने भी डिसीजन हैं वो मेन लेता है, इसमें कोई ये बात नहीं है, लेकिन गलत नहीं है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप औरत की बात को इम्पोर्टेंस ही मत दो,
औरत की बात की अहमियत ही ना हो, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गलत होना शुरू हो जाता है। और ये जब एक घर से शुरू होता है, एक सोसाइटी में जाता है, एक देश में जाता है, और फिर इस तरह के मामले होने लगते हैं, तो जब तक औरतें ऑब्जेक्ट की तरह औरतों को इस्तेमाल किया जाता रहेगा, और जब तक औरतें ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होती रहेंगी, अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगी, तब तक ये जो मामले चल रहे हैं, आज हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, उसके बाद भी मामले कम नहीं हुए, हर दूसरे तीसरे दिन हो ही रहा है ना, अलग अलग न्यूज़ में आपने देखा है कि हो ही रहा है। तो ये तब रुकेगा जब आप औरतों को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, मतलब औरत और मर्द की बात इक्वल हो जाए, मतलब दोनों की बात, जैसे एक मर्द की बात को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जब कोई फैमिली डिस्कशन होता है, सोसाइटल डिस्कशन होता है, तो मर्द की बात को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि भाई हाँ ऐसा करना है, उसी तरीके से एक औरत की बात को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। तो ये धीरे 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 एक घर से शुरू होगा, एक सोसाइटी तक जाएगा, और फिर धीरे धीरे फैलते फैलते हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई वेमेन आर नॉट ऑब्जेक्ट ओनली, और जो औरतें हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे ये जो मामले हैं उसमें गिरावट आना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिफाइंग का जो सबसे एक्सट्रीम लेवल होता है, सबसे लो लेवल होता है, वो होता है रेप, वो होता है सेक्सुअल अब्यूज, वो होता है सेक्सुअल एक्सटॉर्शन, वो होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह कि हाँ भाई औरत है, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, उसका उसकी हाँ या ना क्या मैटर करता है, उसकी बात की क्या इंपॉर्टेंस है, वो ना भी बोले तब भी हाँ है, ये मामला, ये होता है ऑब्जेक्टिफाई करना। हम समझते हैं किसी को उस नज़र से देखना ऑब्जेक्टिफाई करना होता, नहीं, ऑब्जेक्टिफाई करने का जो असल मतलब है वो है क्या कि उसको बस एक पर्टिकुलर समय में उसकी अहमियत, जब उसकी ज़रूरत हो उसकी बात सुन ली, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उसकी ना में भी हाँ है, उसका उसका कहने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिफाई करना। और जब तक ये चलता रहेगा इंडिया में मामले ख़त्म नहीं होंगे। और औरतों से मैं ये कहूँगा, विमेन से मैं, लड़कियों से मैं ये कहूँगा कि आपको चाहिए अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनाओ, फाइट करो सिचुएशन से, लड़ना सीखो, और ये लड़ाई आपके घर से शुरू होगी। आप अपनी बात रखना सीखिए।